आज टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल का गलवा बांध की टेल के गांव ठिकरिया जाठान पर आकस्मिक निरीक्षण था। इस मांग को लेकर किसान महापंचायत ने पूर्व 15 जून 2021 से ही चिन्मय गोपाल जी से निवेदन किया जा रहा था। फिर 8 सितंबर को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और अभी 18 अक्टूबर को टेल के काश्तकारों ने बनेटा में मीटिंग करके संभाग आयुक्त जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया। उसके बाद आज 22 अक्टूबर को चिन्मय गोपाल जो जिला कलेक्टर टोंक है वो टेल के ठिकरिया जाटान गांव में पहुंची और कच्ची नहरों सफाई व्यवस्था एवं रखरखाव के बारे में जानकारी हुई। टेल के काश्तकारों ने 8 नवंबर को बांध से पानी छोड़ने की बात कही। आज कलेक्टर का ये बांध बना तब से प्रथम दौरा है जो टेल पर पहुंचे। 61 साल में पहली बार जिला कलेक्टर टेल पर पहुंची, इसलिए किसानों ने कुछ राहत महसूस की है कि अगर कलेक्टर मौके पर आई है तो टेल के काश्तकारों को पानी लगातार मिलता रहेगा। ये लोगों में भावना भी जागृत हुई है।